good morning student. Today I am going to take class UKG subject maths. So student, yesterday we learned now which subject, which topic? Tell me. Concept revision. Concept revision means what? आपको LKG में पढ़ाया गया था big, small, tall, short, long, short, more, less. आपने पढ़ा ही होगा LKG में, तो और एक बार आपको यहाँ पढ़ना है, थोड़ा रिवाइज करना है. सो yesterday वी कॉन्सेप्ट रिविजन वी लर्न नो बिग एंड स्मॉल. बिग एंड स्मॉल मीन्स वॉट? बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत छोटा. ओके, सी हियर, टेक द बिगर एनिमल. हियर वन ऑस्ट्रिच, हियर वन हेन. सो यू कंपेयर विच बर्ड इज लॉन्ग बिग एंड विच बर्ड इज स्मॉल. यू कंपेयर स्टूडेंट विच बर्ड इज बिग, विच बर्ड इज स्मॉल. यस्टरडे आई शोड सम एग्जाम्पल्स. ओके, बॉटल एग्जाम्पल, पेंस एग्जाम्पल, ऑल शो नो. सो यू गेस, इसमें सबसे बड़ा कौन है? ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच इज वेरी बिग बर्ड. ओके, दैट्स वाई हियर टिक. ओके, सो हियर वन कंगारू एंड वन स्मॉल फॉक्स. सो यू कंपेयर विच एनिमल इज बिग एंड विच एनिमल इज स्मॉल. अंडरस्टूड? सो हियर क्रॉस आउट कंगारू बिकॉज फॉक्स इज वेरी स्मॉल. दैट्स वाई कंगारू इज बिग एनिमल. सो नेक्स्ट, हियर योर बिगर टिक एंड क्रॉस आउट, पुट द अगेंस्ट द स्मॉलर एनिमल. स्मॉलर एनिमल जो सबसे छोटा है ना, उसे क्रॉस आउट करना था. सो लेट्स स्टार्ट. हियर एलिफेंट एंड हियर वन स्मॉल कैट. विच एनिमल इज वेरी स्मॉल? दिस एनिमल और दिस एनिमल? एनिमल दिस एंड एलिफेंट इज अ वेरी बिग एंड दिस कैट इज वेरी स्मॉल. यानी बहुत छोटा है, इसीलिए हमें किसको क्या क्रॉस आउट करना था? कैट को. सो यू डू दिस वर्क, यू डिड दिस होमवर्क, आई होप यू डिड. सो नेक्स्ट, लॉयन रैट. यानी एक लॉयन है और एक रैट है, छोटा रैट है. सो यू गेस विच एनिमल इज स्मॉलर? विच एनिमल इज स्मॉलर? दिस रैट इज वेरी स्मॉलर. यू सी नो, रैट इज वेरी स्मॉल एनिमल. सो हियर क्रॉस आउट. सो हियर वन न्यू रिविजन कॉन्सेप्ट, शॉर्टेस्ट. हियर सम एनिमल्स, अ डिफरेंट साइज ऑफ एनिमल्स. यू गेस विच एनिमल इज अ वेरी शॉर्टेस्ट? टॉल एंड शॉर्ट. सो जिराफ इज अ वेरी टॉल, कैमल ऑल्सो वेरी टॉल, डॉग इज टॉल. सो rabbit is very shortest, that's why here circle. Understood? Then today's new concept, long and short. Long yani bahut bada, bahut bada. Short yani bahut chota, uske viruddh yani bahut chota. Long yani bahut, aise dikhati hu one example, aise bahut bada. शॉर्ट यानी बहुत छोटा, दिख रहा है इस लाइन से भी, ए लाइन छोटा है ना. लॉन्ग वेरी लॉन्ग एंड शॉर्ट वेरी शॉर्ट. यू सी स्टूडेंट्स ट्रेन, यू सी यानी आप ट्रेन देखे हो, आपने ट्रेन देखा ही होगा, बहुत सारे डिब्बे होते हैं उसका. कितना बड़ा ट्रेन होता है ना बच्चों, आपने देखा है, कभी बैठा है उसमें? सो I think 20, 30 डिब्बे वाला ट्रेन होता है. बस उतना होता है क्या? नो. तो लॉन्ग, सबसे लॉन्ग कौन है? ट्रेन लॉन्गर है. ओके, सो हियर लॉन्ग और शॉर्ट कंसेप्ट है. आई शो यू वन एग्जाम्पल्स, देन स्टार्ट दिस टॉपिक. ओके,
सो हियर लॉन्गर मीन्स सबसे बड़ा और शॉर्टर मीन्स सबसे छोटा. आई शो यू टू स्केल्स. ओके सी हियर स्टूडेंट, आई पुट हियर टू स्केल्स. तो सो स्टूडेंट टेल मी विच स्केल इज लॉन्गर, विच स्केल इज शॉर्टर, यानी कौन सा लॉन्ग है, सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन है, टेल मी. सो हियर लॉन्गर, दिस स्केल इज वेरी लॉन्गर, यानी सबसे बड़ा है, अंडरस्टैंड. एंड दिस स्केल इज वेरी शॉर्ट, सी हियर. सो दिस स्केल इज वेरी लॉन्ग, नो देखो कितना बड़ा है और ये स्केल कितना छोटा है, दिख रहा है बच्चों. टेल मी विच इज लॉन्गर एंड विच इज शॉर्टर, टेल मी. दिस स्केल इज वेरी लॉन्गर, यानी बड़ा है, लंबा है. एंड दिस इज वेरी शॉर्टर, यानी बहुत छोटा है. अंडरस्टूड? आई होप अंडरस्टूड यू. नेक्स्ट आई शो यू वन एग्जाम्पल. I show you one. See here, student. See here, student. I show you one example. Longer. Longer means here to keep these two books. One is a very long book and one is very short. See here. सो ग्रीन बुक इज अ वेरी लॉन्ग, नो बहुत बड़ा है ना. एंड दिस बुक इज अ वेरी शॉर्ट, कितना बड़ा है देखो, ये इतना बड़ा है ना और ये बहुत छोटा है. सो विच इज लॉन्गर एंड विच इज स्मॉलर, टेल मी. शॉर्ट. विच इज शॉर्ट, दिस बुक इज अ वेरी शॉर्ट एंड दिस बुक इज अ वेरी लॉन्ग. लॉन्ग यानी बहुत बड़ा है. ओके अंडरस्टूड? Understood, student? Okay. I show you one example. Again, one example. See here, student. I show you one example. See here. Long. Here to one pen and one sketch pen. So, you guess which long is which short. सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन है? See here. बहुत लंबा है ना बच्चों? Black pen is very long and this pen is very short. Understood, student? I show you three example. One is scale example, book example, then pen example. Understood? I hope understood. Because see here, long yani बहुत बड़ा होता है, short yani बहुत छोटा होता है. Understood? So students, see here. This concept is here one two trends. You compare which is longer. You compare first, okay? Put the cross on the longer train. जो longer train है ना, उसे cross करना है आपको. So you guess which is longer. So let's start. One, see here. Train sits. One, two, three, four, five. How many seats are there total? Five. Okay. And here one, two, only two. Understood? See here, this your train is, this animal train is very long because here five seats and here only two. That's why longer train is this longer train is, okay, and here cross out. Understood? This longer, this is a very short. Understood? So next one concept. More and less. More यानी ज्यादा, सब बहुत, और less यानी बहुत कम, ज्यादा और कम. See here, color the group that has more objects. Here A और B group. यानी first A, first B. Okay. So you guess. Which group is more? You color this. So let's start here. Cold drink glasses. One, two, three. How many? Total
अंडरस्टूड, यानी यहाँ तीन ग्लासेस है और दिस साइड 1 2 3 4 5 यूर कपकेक। हाउ मेनी कपकेक्स आर देयर? टोटल 5 कप्स, टोटल 5 कपकेक्स, हियर 3 एंड हियर 5। सो स्टूडेंट, आपको यहाँ क्या दिए गए हैं ऊपर इंट्रोडक्शन, कलर द ग्रुप दैट हैज मोर ऑब्जेक्ट। जी जहाँ ज्यादा ऑब्जेक्ट यानी जहाँ ज्यादा काउंटिंग होता है ना, उसे कलर करना है आपको। सो कपकेक इज वेरी सीयर, कपकेक इज मोर, नो दैट्स व्हाई यू कलर दिस कपकेक्स। अंडरस्टूड? यू ऑल्सो कलर दिस, अंडरस्टूड? बिकॉज बी साइड इज 5 कपकेक्स, अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट B1, B2, सो हियर सर्कल्स, लेट्स काउंट 1 2 3 4, हाउ मेनी? टोटल 4 सर्कल एंड हियर 2 बटरफ्लाइज, सो लेट्स स्टार्ट 1 2, विच ग्रुप इज मोर, यानी सबसे ज्यादा किसमें है? दिस ग्रुप इज मोर, नो 1 2 3 4, दैट्स व्हाई हियर कलर। सो ऑलरेडी आई गेव दिस कलर हियर 4 सर्कल, सो यू ऑल्सो गियर डू दिस वर्क, ओके? सो टूडेज होमवर्क, सो मोर एंड लेस एग्जाम्पल आई शो यू, मोर मीन्स वॉट एंड लेस मीन्स वॉट, आई शो यू वन एग्जाम्पल। See here students, I put here, keep the two groups, one group is some stones and this one group is some stones, so let's count which group is more, 1 2 3 4 5 6, this group how many stones are there? Total 6, and beside how many? 1 2 3 4, understood? More, which side is more stones? These sides, because here 6 stones, no, that's why this group is more, here 2 less, yani do nahi hai, yahan do zyada hai, so yahan this group is more, more yani zyada, less yani bahut kam, understood? So this concept understood student? So you also do this homework. See here, more, this object you color and this object also you color, understood? And cross out this longer train, okay? So student, today's homework, you write bigger numbers, smaller number, 2 pages, write bigger number and smaller number, and textbook work you do this longer train and color this more groups, understood? So student, today's class finish. Thank you.